प्रादुर्भाव के बारे में बताइए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा गायत्री प्रादुर्भाव को बताने के विषय में, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में यही बता सकता हूँ कि गायत्री का जो उत्पत्ति थी ये ब्रह्मा जी की शक्ति और सामर्थ्य और उनकी साधना की वजह से उत्पत्ति हुई। और गायत्री जो है हमारे सनातन धर्म का मूल माना जाता है, और ये मूल ऐसा विषय है कि जिसके बिना सनातन धर्म को की प्रगति पॉसिबल नहीं थी। तो इस वजह से गायत्री की जब उत्पत्ति हुई और सनातन धर्म ने इसको स्वीकार किया और सनातन धर्म ने इसको इसका मंत्र का जाप कर कर इसकी साधनाएँ कर कर जितना भी सृजन का कार्य है वो गायत्री के अनुसार ही हुआ। ऐसा माना जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि गायत्री जो है वो मंत्र रूप है, उसका जो साकार अस्तित्व नहीं है, इस बारे में आप क्या? देखिए, निराकार और साकार का जो मतभेद है ये आज से नहीं है, ये हमेशा से रहा है। साकार का मतभेद जो है कि कोई भी मूर्ति साकार स्वरूप में भी है, कोई मूर्ति निराकार स्वरूप में है, ये सिर्फ गायत्री के साथ नहीं है, हमारे धर्म में सभी जगह माना जाता है कि ईश्वर साकार मूर्ति रूप में भी हैं और ईश्वर निराकार स्वरूप में। द्वैत और अद्वैत की परंपरा को इसी को कहा जाता है। तो गायत्री को भी मंत्र स्वरूप में मानकर, मंत्र रूपी देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, और कुछ जगह पर उनको माँ के स्वरूप में उनकी पूजा और आराधना भी की जाती है। गुरुजी, तंत्र की बात करते तो लोग अक्सर करते हैं तंत्र मंत्र से, तंत्र मंत्र कहाँ हो जाएगा किसी को, ये आपने लिखा है तंत्रचार्य, क्या बताइए? देखिए, सबसे बड़ा वहम है कि किसी ने कुछ कर दिया है। आजकल लोगों को ना एक ज़िंदगी में एस्केप रूट मिल गया है, उनको एक आसान सा तरीका मिल गया ये कहने के लिए कि किसी ने कुछ कर दिया है। अरे भैया, क्या कर दिया उसका एक्सप्लेनेशन दो, और आपको क्या फील होता है उसको बताओ। एक्चुअली क्या होता है, अहम और वहम का इलाज दुनिया में किसी का नहीं है। ये अहम कि किसी ने कुछ कर दिया है, और इस वहम में कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, ये दो जो फिलॉसफी है ये इसने संसार का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो तंत्र में किसी ने कुछ कर दिया, ये बहुत बड़ा है और वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि तंत्र में ना करने वाले अब लोग बचे हैं ना करवाने वाले लोग बचे हैं। परंतु ये है कि हमने एक साइकोलॉजी डेवलप कर रखी है, अगर जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं या सक्सेस नहीं मिल पा रहा है तो उसका ब्लेम हम किसी ना किसी को देना होता है, तो इसी बहाने तंत्र को ही हम उसको ब्लेम कर देते हैं। भगवान है तो शैतान भी है, बिल्कुल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, चाकू है तो चाकू से आप सेब काट लीजिए या किसी की गर्दन काट लीजिए, इसमें चाकू का दोष नहीं है। इसी तरह तंत्र है, तंत्र में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, परंतु आपको क्या चाहिए वो आपको देखना है। मैं अपने जीवन के 36 साल के अनुभव से कह सकता हूँ कि मैं आज तक जितने तंत्र या तंत्राचार्यों से मिला हूँ उन्होंने लोगों की मदद की है, सृजन किया है, सहायता की है, किसी को नुकसान कभी नहीं पहुँचाते हुए देखा है। हाँ, शत्रु का समन करना या आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है उससे अपनी रक्षा करना एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन बेवजह किसी को मारना, हिंसा करना एक अलग विषय हो जाता है। गुरु जी, आपने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कब की है और आपने जो गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान की स्थापना देखिए, मैंने अपने अध्यात्म की जो जीवन की जो शुरुआत है काफ़ी बाल्यकाल से हो गई थी, क्योंकि मेरा जन्म जो है आगरा के पास एक जगह है फिरोजाबाद टूंडला, वहाँ पे मेरे गुरुदेव के घर के पास में ही मेरा जन्म हुआ और मेरा नामकरण भी गुरुदेव ने ही रखा, और इसी तरह मेरी यात्रा आरंभ हो गई। माता पिता, घर परिवार, मित्र यार, जितने भी लोग थे इनसे सीखते सीखते या गुरुओं की परंपराओं में श्रृंखलाओं में देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा, और धीरे धीरे ये मेरे तन मन में बच गई। तो मेरा जो संस्कार रहा वो बचपन में ही शुरू हो चुका था, और आते आते मुझे बात समझ में आ गई कि मेरा जीवन अध्यात्म के लिए ही है, जनमानस के कल्याण के लिए ही है। तो मैंने अपने जीवन को पूर्णतः संन्यास लेकर इस क्षेत्र में आ गया हूँ। गायत्री का जो अनुष्ठान है इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो कोरोना काल में जो लोग मरे हैं, जिनके हम अंत्येष्टि नहीं कर पाए, जिनका हम क्रिमिनेशन नहीं कर पाए, जिनको हम मुक्ति नहीं कर पाए, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, जो मृत्यु के जो नियम होते हैं वो हम पूरे नहीं कर पाए, हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, उनको हम सही तरीके से प्रवाहित नहीं कर पाए, जो भी जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो हम नहीं कर पाए, उनका पिंडदान नहीं कर पाए, उनको अंत्येष्टि नहीं कर पाए, तो वो सारे जो कार्य उनके लिए नहीं हो पाए, वो आत्माएँ जो भटक रही हैं, जो अतृप्त आत्माएँ हैं, जो परिवार या जो उनसे आहत हुए हैं, उनको शांति मिले और परिवार को शक्ति और सामर्थ्य मिले, इसके लिए गायत्री अनुष्ठान हमने आरंभ किया। लगभग 10-12 जगह हम ये अनुष्ठान कर चुके हैं और आगे भी हम ये करते रहेंगे। हम लोगों से प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। हम भी वो लोग भी आ रहे हैं जिनके परिवार चले गए, ये कुछ परिवार हमसे जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर आते हैं और अपने
परिवार की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं और योगदान भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुप्त योगदान के माध्यम से हमें सहायता दे रहे हैं, वरना इतना बड़ा अनुष्ठान करना हमारे जैसे व्यक्ति के लिए सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है। परंतु उन लोगों ने हमें सहायता दी, चाहे वो धन का अनुदान हो, चाहे वो सहयोग हो, चाहे समय का योगदान हो, पर वो हमें सहायता दे रहे हैं जिसकी वजह से हम ये कार्य कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये तंत्र जो लोगों में एक तरह की मिथ है, मतलब कि ब्लैक मैजिक है या फिर वो नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आप इस चीज़ को कैसे आगे लगाओ? और जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे बंगाली बाबा हो या कोई मौलवी हो या कोई इस तरह के जो गलत चीज़ें करें, तो उस चीज़ से ये फ़र्क लोगों को, आम इंसान को उस फर्क का कैसे? देखिए, मैंने कहा ना, वहम का कोई इलाज नहीं है। जितने भी बंगाली बाबा हैं या तांत्रिक बंगाली हैं, ये समाज में कुप्रचार करते हैं, कुतंत्र करते हैं, तंत्र नहीं करते हैं। तंत्र और कुतंत्र और सुतंत्र में बहुत फ़र्क है। तंत्र का एक टेक्नोलॉजी है जिसका जो कुरूप स्वरूप है, जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, वो कुतंत्र है। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को आहत करना, किसी को मति भ्रम करना या किसी को किसी शारीरिक कष्ट पहुंचाना, ये कुतंत्र है। लेकिन किसी को जीवन दान देना, किसी को शिक्षा में आगे बढ़ाना, किसी के परिवार को दोबारा एस्टैब्लिश करना, किसी को स्वास्थ्य देना, किसी को मृत्युंजय शक्ति प्रदान करना, ये सुतंत्र है, यानी सात्विक तंत्र है। तो हमें सात्विक तंत्र पर फोकस करना है, हमें कुतंत्र पर फोकस नहीं करना। तो अग्नित्र आपका जो फाउंडेशन है, उनका एक मूल्य क्या है? मूल हमारा जो अग्नित्रा फाउंडेशन है, इसका मूल ये है कि हम तंत्र के माध्यम से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम एक एक्स्ट्रा राइडर, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी का सफ़र जो है एक सड़क की तरह है, उसमें गड्ढे तो हैं ही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके जीवन के गड्ढे भर देंगे या मुश्किलें नहीं आएंगी या आपकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ सुंदर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम अपने जीवन में भी नहीं कर पाते। परंतु सड़क पर चलने के लिए जो गाड़ी है, वो ऑल्टो से हम इनोवा या फॉर्चूनर कर देंगे, जिससे कि उस जीवन में जो आपके गड्ढे हैं वो झटके आपको ना लगें, आपके जीवन में जो कमियां हैं उसको आप सपूर्वक खुशी खुशी उसको निभा सकें और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। आप अपने शिष्यों से जो शिक्षा दीक्षा संस्कार दे रहे हैं, उनसे आप आगे क्या उम्मीद है? मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप आगे करें, और अगर आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो करें, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को डराएं नहीं, किसी को धमकाएं नहीं। तंत्र दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करें, किसी को डरा धमका के किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए मत प्रयोग करें, और जो परंपरा है उस परंपरा का सम्मान करें। लास्ट क्वेश्चन की, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे फिल्मी चैनल भी हैं यहाँ पर, तो फिल्म जो कि फिल्म जगत के जो कलाकार हैं, फिल्मी से जो जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में है। तो आपके साथ कुछ फिल्म कलाकार जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो कुछ जुड़े हुए और उनको किस तरह का फ़ायदा नहीं है? बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, जो खाली बैठे हुए थे, आज उनके पास बहुत कार्यक्रम है, बहुत प्रोग्राम है, बहुत सारी मूवीज़ हैं। ऐसी मूवीज़ जो स्ट्रगल कर रही थी, जो सेंसर बोर्ड ने स्टॉप कर रखी थी, वो रिलीज़ होकर उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है। ऐसे बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस थे जो लॉसेस में चल रहे हैं, आज फ़ायदे में हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो हमारे साथ, जिनका करियर डूबा हुआ था, आज वो उनको कार्यक्रम भी मिल रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है और आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा हमारे साथ अभी प्रकाश जी थे, प्रकाश जी भी से काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। देखिए, मीडिया वर्ल्ड हो या बिजनेस हाउसेस हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, कहीं ना कहीं हमें एक एडिशनल शक्ति और पावर की ज़रूरत होती है, जहां हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, और मीडिया हमेशा हमारे सपोर्ट में रहा है। कुछ एक फेज़ आया था जब तंत्र को कुतंत्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज वो धारणाएं बदल गई हैं। आज हमारी पौराणिक कहानियां बाहर आ रही हैं, हमारे सनातनी कहानियां बाहर आ रही हैं, और ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जहां हमें सच बताया जा रहा है और हमें सनातन धर्म से रूबरू कराया जा रहा है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका मैसेज क्या रहेगा एक डे टू डे लाइफ में? एक सिंपल, एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा शायद वक्त हर चीज़ में नहीं है, लेकिन एक सिंपल चीज़ जो वो सिंपल तरीके से कर पाए। मैं सिंपल तरीके से सिर्फ यही कहूँगा कि तंत्र डरने का विषय नहीं है, अपनाने का विषय है। अगर आप अच्छे वक्त में किसी के साथ नहीं हैं तो मत रहिए, चलेगा, लेकिन उस बुरे वक्त में किसी का साथ मत छोड़िए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग किसी व्यक्ति का जो बुरे वक्त में हो, उसके जीवन को, उसकी लाइफ को बदलने में ज़रूर करिए। मैं यही कहूँगा कि तंत्र ट्रांसफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है, किसी को डराने या धमकाने का सब्जेक्ट नहीं है। तो तंत्र के प्रयोग से, तंत्र के अनुदान से, तंत्र के क्रियाओं से आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए, उनकी सहायता करिए, उन्हें सहयोग प्रदान करिए, ना कि उन्हें के गलत रास्ते पर ले जाइए। लास्ट में और एक चीज़ है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है,
उस चीज में भी आपका उसमें है जी, या फिर ये क्या होता है? देखिए जैसे हमारी दुनिया है वैसे उनकी दुनिया है, हमारी मनुष्य की योनि है उनकी भूत प्रेत की योनि है, वैसे उनकी भी दुनिया है, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी हम आपस में मिल जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, वहाँ हमें पैरानॉर्मल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में है पैरानॉर्मल हीलिंग के लिए, मैंने 4,500 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया है, जहाँ मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये पैरानॉर्मल इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, और हमने उन केसेस को सॉल्व किया। आज वे लोग स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, जीवन में तरक्की कर रहे हैं। तो पैरानॉर्मल केसेस खूब होते हैं और हमारे आपके हर घरों में होते हैं, क्योंकि जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, वैसे भूत प्रेतों की भी योनियाँ हैं, वो भी हमारे आपके साथ ही रहते हैं। परंतु जब वो इंट्रैक्शन हो जाता है, जब इंटेंशन गलत इंटेंशन से इंट्रैक्शन हो जाता है, तब हमारे जीवन में कष्ट आता है, तब हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं और मेरे परिवार के जो 1800 सदस्य हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल हीलिंग सात्विक तंत्र सीखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, उन्होंने सीखा हुआ, लोगों की मदद करते हैं। जय श्री कृष्ण। को उसके बदलाव लेकर आया यहाँ, ये मेरा नाम प्रकाश भारद्वाज है, थोड़ा लाउड बोलो। हाँ, अच्छा, मेरा नाम प्रकाश भारद्वाज है, मैं तकरीबन पिछले 25 सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टिंग और डायलॉग कोच की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और ख़ासतौर से 15-16 साल से मिस्टर आमिर खान का पर्सनल एक्टिंग और डायलॉग कोच हूँ मैं। और मैं पिछले 3-4 साल से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, और गुरुजी के सानिध्य में मैंने ये पाया कि ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ बैठा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी गुरुजी के विषय में कि ये इतने बेहतरीन इंसान हैं, इतने बेहतरीन इंसान हैं कि इनको देखते ही ना मन और आत्मा दोनों प्रसन्नचित हो उठते हैं। और मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, करीबन कुछ लोग 15 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से, उन सबसे मैंने बात की, उन सबके जीवन में इतने कमाल के चमत्कारिक उन्होंने काम किए हुए हैं। उनके जीवन में जब वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली इतनी तकलीफें थी उन लोगों को, उनके सबके जीवन में इतने, मतलब कहते ना कि लो से लेके हाई लेवल तक जो भी चेंजेस किए हैं वो गुरुजी ने किए हैं। और ख़ासतौर से मैं अपने जीवन की बात करूं, मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ, मेरी सगी बहन के यहाँ कुछ बहुत भयंकर कुछ तकलीफ थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैं कह सकता हूँ, और मैं गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने गुरुजी प्लीज़ आप कुछ कीजिए, और गुरुजी ने सिर्फ एक यज्ञ करके उस तकलीफ़ को हमेशा के लिए दूर कर दिया। मेरी बहन को भी तकलीफ़ थी, मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखा है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, और भी मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ। और मज़े की बात यह है कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि इनके जीवन पर जो इनकी बायोपिक है उस पर एक बहुत बड़ा वेब सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आप देखेंगे किसी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर। सर आप अपना परिचय। और मेरा नाम कृपाल शंकर दुबे है, और मैं इंडियन नेवी में 25 साल सर्विस कर चुका हूँ। गुरुजी से मेरी जो परिचय है वो मेरी पुत्री के जरिए हुआ, और उसके बाद में मैंने अपनी सारी चिंताएं गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया, और उसके बाद में मैं एकदम निर्भीक हो गया। मुझे कोई कष्ट नहीं, जो कुछ भी कष्ट है वो गुरुजी के पास में मैंने छोड़ दिया है। और फिर वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरुजी के चरण में हमने अपना सब कुछ सौंप दिया है, अब गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे गुरुजी से इतना लगाव हो चुका है कि मैं कहीं पे भी रहूं तो एक बार गुरुजी का स्मरण हमारे घर में सभी लोग करते हैं, और हम अपनी सारी चिंताएं इन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि आपको गुरु को मानने की ज़रूरत नहीं है, गुरु तत्व को मानो, वो क्या बात कह रहा है उसको मानो। आप उसको पर्सनली पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो वो चलेगा, लेकिन आप गुरु तत्व जो बातें सिखा रहे हैं उसको मान लो, आपकी लाइफ ऐसे शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी नीरज जी एक पॉइंट आइए 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 नीरज के साथ गुरु का, यू नो, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है?
राधे राधे, मेरा नाम नीरज चंदानी है, मैं बॉम्बे के में रहने वाला हूँ। मेरी कंपनी प्रॉपर्टी की शेल्टर प्रॉपर्टीज़, एंड मैं गुरुदेव को मिला हूँ नवंबर 2018 में एग्जीबिशन में, और हमने भी उधर स्टॉल लगाया था और गुरुदेव ने भी लगाया था, तो हम वैसे मिले और हमने इनका लेक्चर अटेंड किया। एक घंटे का जो प्रवचन होता है, जो फ्री लेक्चर होता है एग्जीबिशन में, और उसके बाद हम मिले और काफ़ी समस्याएं, मेरी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हुई है, मेरा बीपी जो था बढ़ा हुआ, दवाइयाँ शुरू थी वो सब खत्म हुई है, स्किन एक्जिमा था वो खत्म हो गया, तो अभी तो परिवार है, अभी तो मेरे को उन्होंने गोद ले लिया तो मैं बेटा हूँ इनका, तो अभी तो बात ही अलग है। बट यही है कि काफ़ी सारे मेडिकल्स देखे हैं हमने, और साइंटिफिकली जो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन पूछते हैं हम, उनका प्रैक्टिकल जवाब देते हैं, वही सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। उसके लिए मैं बहुत लोगों को करता हूँ कि लोग जुड़ें, ये भी छोटा सा प्रयास है कि लोग जुड़ें, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनकी ज़िंदगी में सुधार आए, पैसा आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हेल्थ आए, सब कुछ आए, तो हम बस ये उसके लिए है। और गुरुदेव के साथ तो अभी बस लंबे चलना है, तो शुरुआत है। थैंक यू। माय नेम इज़ तरन्नम, और मेरा नाम तरन्नम है, और थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं इनके साथ में जुड़ी हूँ, बट मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है आफ्टर मीटिंग गुरुजी, मतलब गुरुजी ने मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया था कि तू आ मुझसे मिलने के लिए। मैंने बहुत रिलक्टेंटली, मतलब बहुत अनविलिंगली गई थी इनके पास के देखते हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झोल मोल एंड परेशानियों में एंड बीमारियों में इसमें डूबी गई थी। 3 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए, एंड 3 साल से परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन मुझमें जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिम्मत आई है उनसे जूझने की, उनसे लड़ने की, और रुकावटें भी आती हैं, मेरा बुटीक है, मैं टेक्सटाइल स्टोर भी चलाती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन वो अपने आप हटती चली गई। मतलब समा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनको कुछ प्रॉब्लम बोल दिया तो ये अब उसको हटा ही देंगे, रास्ते मेरे साफ हो जाते हैं, मतलब मुझे खुद भी रियलाइज़ नहीं होता है। रात को कुछ प्रॉब्लम हुई, गुरुजी को फ़ोन किया, मैसेज किया और सो गई, सुबह प्रॉब्लम सॉल्व, चाहे वो मतलब मेरे बेटे की जॉब का हो, या मेरी तबीयत का हो, या मेरी मम्मी का ऑपरेशन का हो, या मेरी कोई फ्रेंड की प्रॉब्लम हो, या मेरी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल के, मतलब आई एम सरप्राइज्ड के ये तो हो गया, मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस और ये हो गया। तो 3 साल में मेरा जर्नी तो इनके साथ में कुछ अलग ही रहा। बाप मेरे डैड नहीं है, और बाप का सर, मतलब डैड के बाद ही मैं गुरुजी से मिली हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा जो फादर फिगर है वो इनमें है, मतलब आई कांट थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट हिम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू। सुषमा, आप क्या करते हो, और गुरुदेव के साथ आप जुड़ कर यू नो आपकी जीवन में किस तरह की यू नो चेंजेस आ रहे हैं? गुरुदेव से ना मैं भी 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, और उनसे जुड़ने से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और मेरी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। सुषमा और सुरेंद्र जो हैं ये वर्ली में रहते हैं, और सुषमा को आज हम लोग दीक्षा दे रहे हैं और इसको ऑथराइज कर रहे हैं कि ये आगे जाकर लोगों की मदद करे, सहायता करे। वर्ली का जो एरिया है वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जगह जगह पर रहते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है या किसी और तरह की सहायता नहीं मिल रही है, तंत्र मंत्र के वहम से ग्रसित हैं या उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो आज से ये जिम्मेदारी इन दोनों को दी जा रही है कि मेरे बिहाफ पे या मेरे साथ मिलकर मुझे इन्फॉर्म करते हुए उन लोगों को सहायता प्रदान करें, उनको सही रास्ता दिखाएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो आज सुषमा का दीक्षा होगा और संस्कार होगा, और उसके बाद ही आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सबके माध्यम से ये बात सब तक पहुँचे कि अब हम और ज़ोर से प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्म ला सकें, तंत्र मंत्र से उनके जीवन में जो कष्ट हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें पूरी कर सकें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है।